भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव के द्वारा लखनऊ में किए गए मार्च को रोके जाने के सवाल पर बोले कि मार्च करने का सभी को अधिकार है, लेकिन मार्च करने का जो तरीका होता है वह बहुत जरूरी है। परमिशन पहले से नहीं थी, परमिशन लेने के बाद आप मार्च कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि असेंबली के सामने आप अचानक भीड़ लगाकर मार्च करना शुरू कर दें। कोई प्रोटोकॉल होता है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें जानकारी है, लेकिन यदि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो जाहिर है कि पुलिस आपको रोकेगी। मार्च करना है तो पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद आपका मार्च कीजिए। दोनों बहुत महत्वपूर्ण काम है, सर्वे होना चाहिए था, सर्वे होना भी चाहिए ताकि मदरसों के बारे में सारी जानकारी रहे, और जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं, जिन पर लाइसेंस नहीं है, वे बंद होने चाहिए, और जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उसमें आधुनिक शिक्षा भी दी जाए, इसका प्रावधान भी होना चाहिए। जहाँ तक बात वक्फ की संपत्ति का है, तो जिसको इसका जिम्मेदार बनाया जाता है वही लोग उसमें घपला करते हैं, इसलिए इसका सर्वे होना भी बहुत जरूरी है। जो भी जानकारी होगी उनको जानकारी दूंगा और इसका समाधान निकाल दूंगा, ताकि व्यापारी समाज के हमारे लोग रामपुर में वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें और उनकी कोई समस्या हमारी समस्या बने और उसका समाधान हमारी सरकार और हमारी पार्टी करेगी। हाँ, रामपुर में एक बार फिर से वो चेन शुरुआत हो गई है कि अब मशीनें निकल रही हैं उसमें, और किताबें इससे पहले थी, क्या कहना चाहेंगे? जोहर यूनिवर्सिटी में अब कल नगर पालिका की मशीनें निकली हैं खुदाई के दौरान, उस पर आपको क्या कहना है? आज चोर की किताबें पकड़ी गई हैं, देखिए मैं उसके ज़्यादा जानकारी, मुझे लोकल इशू है रामपुर का, मुझे ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है, लेकिन अगर जो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम कर रहा है तो उसके पुष्ट से पुष्ट जानकारी होगी और उसके बेस पे ही काम करेंगे। सर एक सवाल ये है कि जैसा उत्तर सम्मान है मदरसों को सर्वे के लिए उत्तर सवाल उठाए थे और अब वक्त की संपत्ति की सर्वे की बात आ रही है, ठीक है? देखिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण काम है, सर्वे होना ज़रूरी था, सर्वे होना भी चाहिए ताकि मदरसों के बारे में सारी जानकारी रहे और जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं जिनको लाइसेंस दिए बंद हो और मदरसे सही तरीके से चल रहे उसमें आधुनिक शिक्षा भी दी जाए, इसका जो है प्रावधान है। जहाँ तक सवाल है वर्क प्रॉपर्टी का, उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं जिसको बनाया जाता है वर्क प्रॉपर्टी का जिम्मेदार, वही लोग घपला करते हैं, इसलिए उसका सर्वे होना बहुत ज़रूरी है ताकि जिस पर्पज़ से वर्क की जमीन दी गई है और जो वर्क बोर्ड बना हुआ है उसका सही काम के मार्च करने का सभी को अधिकार है, लेकिन मार्च करने का जो तरीका होता है वो तो जरूरी है, परमिशन पहले से लीजिए, परमिशन लेने के बाद आप मार्च कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि सांसद के जो असेंबली के सामने आप सडनली भीड़ लगा के आप मार्च करने लगे, कोई प्रोटोकॉल होता है, उनको भी वो भी मुख्यमंत्री रहे उनको इसकी जानकारी है, लेकिन अगर आप कानून का जो पालन नहीं करेंगे जाहिर है जो पुलिस है वो आपको रोकेगी, आप परमिशन लीजिए, पुलिस उसकी व्यवस्था करेगी और उसके बाद ऐसे मार्च।